नमस्कार, मैं नीतू, स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो आपके शहर में। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों द्वारा विरोध मार्च के आयोजन के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार को यात्रियों को बंद मार्गों के बारे में जानकारी दी और परेशानी से बचने के लिए मार्ग परिवर्तन का सुझाव दिया। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्विटर के जरिए लोगों को सूचित किया कि झारोरा कलां सीमा पर मार्ग बंद है और यात्रियों से कहा कि वे किसानों के आंदोलन के मद्देनजर इन मार्गों पर जाने से बचें। दिल्ली हरियाणा सीमा पर दो मेट्रो स्टेशन बंद। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रदर्शन स्थलों में से एक हरियाणा से सटे टिकरी बॉर्डर के पास दो मेट्रो स्टेशनों को शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह जानकारी दी। हरियाणा में दो स्टेशन पंडित श्री राम शर्मा और बहादुरगढ़ सिटी दिल्ली मेट्रो के ग्रीन लाइन के अंतर्गत आते हैं। DMRC ने यात्रियों को सूचित करने के लिए ट्वीट किया। पंडित श्री राम शर्मा और बहादुरगढ़ सिटी के प्रवेश और निकास द्वार को बंद कर दिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, शिरोमणि अकाली दल के सदस्य कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध मार्च के आयोजन के मद्देनजर शुक्रवार सुबह गुरुद्वारा रकाबगंज पर एकत्रित हुए। शिर ने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ गुरुद्वारे से संसद भवन तक मार्च निकालने का आह्वान किया था। यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि किसानों द्वारा प्रदर्शन करने और गुरुद्वारा रकाबगंज में एकत्रित होने का आह्वान करने के कारण दिल्ली में विभिन्न इलाकों में एहतियाती तौर पर पुलिस पिकेट लगाई गई और वाहनों को जांच के बाद ही जाने दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने की योजना बनाई है। एक और पार्टी का लक्ष्य ज्यादातर COVID-19 वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाना है, तो वहीं दूसरी ओर BJP ने आज 21 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान भी शुरू किया है। दिल्ली में BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान का शुभारम्भ किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि देश में जनभागीदारी की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी तारीफ करते हुए कहा कि PM ने हमेशा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा। जनता के लिए समर्पित रहना ही प्रधानमंत्री का स्वभाव है। JP नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं दलितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए होती हैं। जन जन का विकास ही PM के जीवन का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का सेवा एवं समर्पण अभियान शुरू होगा। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ता हर गांव घर तक पहुंचकर संपर्क, संवाद और सेवा कार्य करेंगे। मोर्चों और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता भी इस अभियान में जुटेंगे। 17 से 20 सितंबर तक हेल्थ चेकअप के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। चिकित्सा प्रकोष्ठ को इसके आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और आवश्यक वस्तुएं बांटेंगे। इसके अलावा OBC मोर्चा के कार्यकर्ता अनाथालय और वृद्धाश्रम में जाकर फल बांटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन SCO की 21वीं बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कट्टरता के बढ़ाने पर चिंता व्यक्त करते हुए शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। मोदी ने अपने 6 मिनट के आभासी संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन को कट्टरवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए एक साझा खाका विकसित करना चाहिए और इस्लाम से जुड़े उदारवादी, सहिष्णु और समावेशी संस्थानों और परंपराओं के बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा, भारत मध्य एशिया के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि भूआबद मध्य एशियाई देश भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। इस साल हम SCO की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं SCO के नए सदस्य देश के रूप में ईरान का स्वागत करता हूं। मैं 3 नए संवाद भागीदारों सऊदी अरब, मिस्र और कतर का भी स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी कनेक्टिविटी पहल एकतरफा परियोजना नहीं हो सकती है। आपसी विश्वास सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाएं परामर्शी, पारदर्शी और भागीदारी पूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान और तर्कसंगत सोच के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हम भारत को एक उभरती हुई तकनीक में एक हितधारक बनाने की दिशा में अभिनव भावना बनाने के लिए अपने स्टार्टअप और उद्यमियों को एक साथ ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।